जो सारा कैसा है, मैं देखा अभी बीफ ग्रेवी कैसा बनाना है, बोल के दिखा दूँ फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुल्लाह, कैसे है सारो। मैं अभी देखो, अभी कुछ काट लो करते हैं बीफ। देखो यही है मास्टर है बनाना, बनाना का मास्टर यही है, बनाते हैं अभी बीफ ग्रेवी। कैसा बनाना बोल के दिखा दूँ, स्टेप बाई स्टेप दिखा दूँ आपको। ये देखना, मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फुल सपोर्ट करो। पुश नया ये वीडियो देखो, मुझे सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो, शेयर करिए ना, थोड़ा लाइक करके छोड़ो। ओके दोस्तों, अभी देखो अभी बीफ काट लो करते, अभी ये दोना भी है। ओके दोस्तों देख लो करो, मैं दिखाता हूँ आपको। रहते हैं अभी क्लीन कर लो रहते हैं दोस्तों। देखो कितना बड़ा पीस है, देखो माशाल्लाह, छोटा छोटा अभी बनाते हैं हमें कट करके। वो अभी सीसर में काटते हैं, सीसर में थोड़ा काटे को ईजी है, बोल को उन्हें काटते हैं दोस्तों। ओके देखो अभी काट लो रहते हैं। फिर नेक्स्ट आगो प्याज में बोलो ना, कैसा बोल को दिखा दो मैं, कैसा वो फ्राई करना प्याज वो थे, ये सभी तेल नहीं सर। अभी देखो अभी अंदे पतीली चढ़ा डाले, पतीली चढ़ा कर अभी प्याज डाल डाले, प्याज डाल को इसके साथ नमक भी डाल डाले। काई के प्याज डाले ना, तेल नहीं डाले, तेल नहीं काई के डाले ना, वो पानी आगो ज़्यादा पानी रहेंगे प्याज में, वो जली ये उतर डालूंगा तो अच्छा कसी दूंगा। अभी देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक भी, लहसुन भी रखे। अभी देखो अभी ये हल्दी पाउडर डाल कर रखे, गोश्त में बीफ है, बैल का इसका भैंस का गोश्त है। सो अभी काट करके, अभी देखो ये नारियल भी डालते हैं, नारियल पेस्ट करके डालेंगे। अभी देखो अभी ये इसमें आपको तेल भी ऐड करेंगे, तेल नहीं डालें उसे, अभी थोड़ा ड्राई हो गया, अभी तेल भी ऐड कर डालें। तेल ऐड करके तुम्हारा क्वान्टिटी कितना बोल कर तुम्हें डाल लो, कितना तेल आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा डाल लो, हम कम से डालें। ओके दोस्तों यही है, देखो मैं भी है, हाय देखो अभी अभी बनाता हूँ, मैं भी दिखा दो, मैं भी आ जा आ गया अभी। देखो मैं भी है, मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो करो दोस्त। देखो अभी प्याज है, अभी तेल भी ऐड करके अभी फ्राई कर लो करते हैं। थोड़ा ब्राउन होने के बाद थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे, अभी लहसुन का पेस्ट भी, अदरक का पेस्ट भी। ओके दोस्तों यही है तरीका। अभी देखो अभी थोड़ा ब्राउनिस कर लेते हैं, अभी इसमें आगो देखो ग्रीन चिल्ली भी है, हरी मिर्ची वो भी पेस्ट करके अभी डालेंगे। देखो अभी पेस्ट करते हैं मिक्सी में, देखो वो पेस्ट हो गया, अभी अच्छा फाइन कर डालें पेस्ट करके। अभी वो भी देखो अभी ब्राउन, अच्छा ब्राउन हो गया प्याज, अभी वो पेस्ट ऐड कर दें, लहसुन का भी, अदरक का पेस्ट, उसमें आपको हरी मिर्ची भी डाल दें, ग्रीन चिल्ली यही है, दाल को अभी पेस्ट करते हैं। आप भी ऐसा करके मुझे कमेंट में कंफर्म दिखाओ। ओके दोस्तों वेरी सिंपल है, जल्दी हो जाऊंगा आपको। प्याज देखो अभी ये करो, प्याज आपको फाइल पतली चढ़ को प्याज डाल डालो, फिर नमक ऐड करके अच्छा थोड़ा ये कर डालो, उसका पानी से भी घसी को, फिर तेल ऐड करो, आपको मालूम हो जाऊंगा उसमें, तो मैं जान लो टाइम प्याज है, प्याज में तेल है होगा। अभी टोमेटो यूज़ करते हैं, टोमेटो कट करके डालते हैं दोस्तों। टोमेटो ज़्यादा डालना को हमें एक टोमेटो डालें, ज़्यादा टोमेटो डालिए को बहुत ये हो जाऊंगा, फिर टोमेटो का बास मारूंगा। फिर एक टोमेटो बस, बड़ा टोमेटो, अच्छा बड़ा टोमेटो डाल लो। अभी देखो साथ ही कलर होते हैं, ये कलर होते हैं, अभी टेस्ट देखते हैं कैसा है बोल को। ओके दोस्त अभी ये कलर होते हैं, अभी आगो थोड़ा अच्छा बॉयल होने के बाद, अच्छे साथ ही होने के बाद देखो टोमेटो भी डाल डालें, अभी मसाला भी डालना है, अभी बीफ ऐड करेंगे शायद। देखो अभी बीफ धोलो करते हैं, गोश अच्छा धो कर, देखो हल्दी पाउडर से भी डाल कर अच्छा धो डालें। ओके दोस्तों आप भी ऐसे ऐसे करो, हल्दी पाउडर का ऐसा भी डालो, डालेगा थोड़ा अच्छा रंगा गोश, उसमें रखकर थोड़ा ये सो ये वो बैक्टीरिया से भी मर जाता हल्दी पाउडर डाले आपको। देखो अभी धो डालें, अभी उसमें ऐड करेंगे देखो अभी। ओके दोस्तों अभी ऐड करना शुरू कर दें, अभी डालते हैं तो प्याज में गल गया प्याज, अच्छा सो गया। अभी देखो अभी दाल को अभी ये करेंगे, उसे भी देखो रेडी हो लग रहा था। अभी वो भी स्पून में ये करके छोड़ा, मिक्स करके छोड़ डालेंगे। देखो अभी
मिस कर डालें। सो यही है, तुम भी ऐसे करो, वेरी सिंपल है। अब बना बना को मुझे भी कमेंट में दिखाओ। ओके दोस्तों, देखो दोस्त ड्यू देखो, अभी अच्छा मिस करते हैं जूस। अभी बाज भी इसमें ऐड करते हैं, पालक देखो। अब जरूर दिखाओ क्या है कमन में, ये पत्ता का नाम क्या बोल के दिखाओ दोस्त। देखो देखो अभी मिक्स कर, कलर देखो चेंज हो गया। अभी गोश्त डालने के बाद कैसा था, अभी देखो कलर चेंज हो गया। देखो अभी ये पत्ता कमन में दिखाओ दोस्त, क्या पता बोल को। देखो अभी अभी आपको नारियल भी डालते हैं इसमें, नारियल नारियल भी अभी पेस्ट करके उसमें डालेंगे। ओके दोस्त, सो ये तरीका। देखो अभी पेस्ट कर लो आगे, अभी देखो देखो ये भी बॉयल कर लो करते हैं, बॉयल वाला करता थोड़ा मिक्स करते हैं। फिर भी प्याज भी डाल इसमें आपको, ये भी डालेंगे वो पत्ता, वो बाजी स्पिनाच पालक वो क्या बोल के दिखाओ। अभी मिक्सी में ऐड करना, मिक्स कर दें देखो, पेस्ट करते हैं। नारियल है ये, नेचुरल नारियल है, नारियल डालो, नारियल डालो का थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है, खुशबू अच्छा रहूँगा। सेम सेम कोकोनट ऑयल है ना, वैसा नारियल के तेल है ना, वैसा रहूँगा अच्छा। देखो अभी वो मिक्स करते हैं, अभी थोड़ा इसमें पानी डाल के मिक्स कर देंगे। यही है तरीका, देखो रेडी है। देखो अभी पानी डाल के मिक्स करते हैं दोस्त वो ग्रेवी में। यही है तरीका, अभी मिक्स कर दें। अभी देखो कोकोनट का ये डाल दें, नारियल का पेस्ट करके वो भी डाल दें। अभी साथे करते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं अच्छा मिक्स करके। ओके दोस्तों, तुम भी जरूर दिखाओ कोकोनट दाल को कैसा कमान में अच्छा रहूँगा। कोकोनट दाल को अभी तमिलनाडु स्टाइल है ये। ओके दोस्तों, यही है देखो, अभी केरला में से भी फुल यही है डालते हैं कोकोनट। साउथ इंडिया में सारा थोड़ा कोकोनट ज़्यादा डालते हैं नारियल। देखो अभी टेस्ट करते हैं कैसा है फुल को। उसके बाद अभी है, अभी बाजी क्लीन करते हैं। बाजी कैसे क्लीन करना हम लोग को कमान में भी दिखाओ दोस्तों। देखो ये बाजी होगा पालक, ये क्या बाजी बोल को कमेंट में दिखाओ। ओके दोस्त, ओके ड्यू। देखो अभी कट करते हैं, अभी ये भी सीसर में कट करते हैं, हमारा स्टाइल में सीसर में कट करते हैं। प्याज बहुत अच्छा कटना, अच्छा धोना पड़ता है, अच्छा भी कटना कट करना पड़ता है, दड़ा बहुत मट्टी रंगा को मालूम है ना। ओके व्यूअर्स, अभी ये देखो। ओके व्यूज, देखो अभी बाजी बहुत है कट कर लग रही है। ओके देखो ये एक एक पत्ता भी कट को, फिर पानी में धो को, फिर उसमें से डालना। ओके दोस्त, ऐसा कट करना। ओके व्यूज, ओके बाय दोस्तों। देखो अभी बंद कर डालें, है ना, बीफ है ना, थोड़ा 40 मिनट अच्छा पकना है, 40 मिनट रखना पड़ता है कुकर में। ये आपको सऊदी का कुकर है, यह हमारा इंडिया का कुकर नहीं है। ओके दोस्त, अभी खोल रहे हैं। देखो हो गया, अभी वीडियो लंबा हो जाऊंगा इसलिए मैं कट कर डाले। सो देखो अभी बाजी भी डाल डाले, बाजी अंदर दिखाएंगे अभी। देखो देखो बाजी दिखता, देखो बाजी भी मिक्स कर डाले। बाजी डाल को बनाओ, अभी टेस्ट रहूँगा स्पिनाच। देखो अभी कुकर हो जाएगा, अभी बॉयल हो जाएगा, देखते हैं चेक करना है अभी थोड़ा। ओके दोस्त, यही है तरीका, ऐसा बनाओ। देखो अभी मसाला डालते हैं, गरम मसाला, करी पाउडर, करी पाउडर एक दो स्पून डाल लो, फिर चिल्ली पाउडर भी डालना है। अभी थोड़ा मिक्स करके फिर नेक्स्ट चिल्ली पाउडर। ओके दोस्त, अभी देखो ये करी पाउडर है, करी पाउडर डालते हैं अभी, दो स्पून तीन स्पून भी डाल लो आपका क्वान्टिटी की। ये आपको हमें 5-6 आदमी 7 आदमी खाते हैं। ओके दोस्तों, अभी है वहाँ का करी पाउडर आपको 3 स्पून डालें, अभी टेस्ट देखते हैं। चिल्ली पाउडर भी डाल डालें, चिल्ली पाउडर 1 स्पून डालें, 1.5 स्पून डालें। देखो अभी मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छा है, बोल बहुत टेस्टी है, अल्टीमेट है,
टेस्टी है बोलते हैं, अच्छा था बोलते हैं। देखो अभी मिक्स कर दें मसाला, अभी पकड़ने के लिए अभी डम करूँगे, फिर भी बीफ अच्छा कुक करूँगा, फिर भी रख डालेंगे, थोड़ा अच्छा कुक करना अभी गोश्त। ओके दोस्तों, ऐसा तुम्हें दिखाओ कैसा बोल गो। ओके दोस्तों देखो अभी रेडी हो रहा, अब मिक्स करूँगा। देखो अभी चिली पाउडर थोड़ा कम है, चिली पाउडर इसलिए थोड़ा ज़्यादा, मिर्ची आपको ज़्यादा चाहिए ना अब डाल लो, इसलिए चिली पाउडर डाल दें। उनको दोस्त देखो अभी मिक्स कर दें, श्रीलंका का चिली पाउडर है, हमारे आदमी श्रीलंका से आने टाइम में लगाए हैं, तेज है क्या स्पाइसी है क्या देखते हैं। जगह अभी मिक्स करते हैं, ये तरीका। हाँ पानी डालते हैं, अभी पानी डाल को फिर भी अभी बंद करके जोड़ डालेंगे ना, अच्छा कुक हो ना, अभी अच्छा नहीं कुक हो रहा, कैसा भी 40 मिनट रखना पड़ता है। अभी पानी डाल गो, पानी काई के डाल के ना वो अच्छा उबालना, इसलिए गोश अच्छा उबल यानी वो अच्छा उबलने के लिए अभी पानी डाल गो, अभी ढक्कन डाल गो, बंद करके रख डालेंगे क्या। ओके दोस्त देखो अभी ढक्कन डाल डाले, अभी 40 मिनट होगा, अच्छा कुक होना। देखो फायर में रख लो, तुम्हें थोड़ा मीडियम सीज में रख लो, अच्छा बॉयल हो जाऊँगा दोस्त। कुकर है ये, कुकर में आवाज़ आऊँगा, ये सऊदी कुकर है, ये तरीका। हो गया रेडी, हो गया 40 मिनट हो गया, वो कट कर डाले ज़्यादा लंबा हो जाऊँगा वीडियो। सो अभी देखो अभी वो भी ओपन करते हैं, कैसा ओपन करते हैं देखो, बहुत ये आ रहा देखो, वही देखो अभी स्मोक आ रहा देखो, देखो अभी अभी कुक होगा देखते हैं, चेक करेंगे, यही तरीका। देखो मिस कर को अभी देखेंगे, अभी तुम्हें नमक है अभी इसमें देख लिया। देखो अभी गोश उठाते हैं, अभी बीफ उठाते हैं, उठा के चेक करेंगे अभी कैसा है बोल को। कुक हो गया बोलते हैं मास्टर, बहुत अच्छा है बोलते हैं, अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ। ओके दोस्तों अभी जूस बहुत अच्छा है, जूसी है, थोड़ा थोड़ा अभी फर्क है, बहुत अच्छा है अभी। ओके अच्छा कुक हो गया बोलते हैं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा कुक हो गया दोस्त। तुम भी ऐसा बना को कमेंट में कंफर्म दिखाओ। देखो अभी ओके रेडी हो गया, यही है तरीका। ये सऊदी से मैं बात करता हूँ। ओके दोस्त लाइक करो कंफर्म, देख लो अभी खाना जा रहे हैं, रेडी हो गया। ओके दोस्त देखो पराठा बीफ ग्रेवी बहुत मस्त था खाने के लिए, अभी देखो मैं खाना जा रहा हूँ, बहुत मस्त था बीफ के, अच्छा जूसी है देखो, बहुत अच्छा कुक हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ज़रूरी मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फुल सपोर्ट करो, नया वीडियो देखने मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो कन्फर्म। ओके दोस्त देखो देखो बहुत अच्छा है, बहुत मियाँ मियाँ है, बहुत अल्टीमेट है बोलते हैं। देखो अभी मेरा फ्रेंड्स से भी बैठ कर खाते हैं अभी। ओके दोस्तों देखो पराठे भी अच्छा पहुँचता, देखो हमारा दोस्त से भी खाते हैं, देखो देखो यही मास्टर, मास्टर अच्छा बना है, मास्टर भी दिखाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा है बोलते हैं, मास्टर भी बहुत अच्छा है, सुपर से बोलते हैं।
काला को बोलना होता नहीं। ओके दोस्तों यही है, देखो ग्रेवी पराठा भी है, पराठा भी अच्छा मस्त था। ओके दोस्त अभी बहुत जूसी था, अच्छा था, देखो पराठा बहुत मस्त था, ग्रेवी बहुत टेस्ट था। ओके दोस्तों मुझे डोंट फॉरगेट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फुल सपोर्ट करो। ओके दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।